देश के 20 राज्यों में इस वक्त मॉनसून फुल एक्टिव है। कहीं भारी बारिश की चेतावनी है तो कहीं हल्की। पहाड़ों में मॉनसूनी आफत का राउंड 2 शुरू होने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड के दर्जन भर जिलों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का खतरा मौसम विभाग ने जताया है। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, यहाँ पर गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है और इसके बाद ही आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक त्राही माम है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़े जलस्तर ने हाहाकार मचाया है तो उत्तराखंड के टिहरी और श्रीनगर बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। हरिद्वार में गंगा का वार्निंग लेवल 293 के पास पहुंच गया है और ये खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे है। गंगा के वाटर लेवल बढ़ने से ऋषिकेश के आरती घाट डूब गए हैं। टिहरी डैम और श्रीनगर के डैम से वाटर को रिलीज किया गया, यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई और उसका असर अब ऋषिकेश और हरिद्वार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, वाटर करंट में तेजी आई है और इसीलिए जो घाट है जहाँ पर पौड़ियां नीचे की तरफ थी, सीढ़ियां नीचे की तरफ थी, अब तेज बहाव की वजह से यहाँ पर चारों तरफ जो तेज उफान है वो दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद मलारी में पहाड़ी नदी पुल के ऊपर से बह रही है। बाढ़ में पुल का एक हिस्सा टूट गया है। मलारी से 8 किलोमीटर आगे का ब्रिज। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश में 200 मीटर सड़क बह गई। यहां लगातार पहाड़ खिसकने और लैंडलाइन से जान माल का खतरा बना हुआ है। लक्सर में सोनाली नदी का तटबंध टूट जाने से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं। हम इस समय खानपुर में हैं और यहां पर भारतीय सेना अब लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए इस नाव से आगे की तरफ जा रही है। यहां के स्थानीय लोग हैं जो इस समय पानी के अंदर से ही निकलकर अपने घरों से बाहर तक जा रहे हैं। कितना अभी हालत खराब है, पानी कितना है वहाँ पे? पानी बहुत खराब, बहुत। अरे यहाँ पर भारतीय सेना के ऑफिसर और जवान इस समय एक साथ एकजुट होकर लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए इस समय इकट्ठा ये ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा SDRF एक स्पॉटर के तौर पर इनको एग्जैक्ट रास्ता उन जगहों तक ले जा रही है और यही जॉइंटमैनशिप है इस समय भारतीय सेना और SDRF की, जिससे उत्तराखंड को सुरक्षित करने की ये पूरी कोशिश है। उत्तराखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं तो हिमाचल के लिए भी आने वाले 24 घंटे भारी मुसीबत वाले हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में भी नदियां उफान पर हैं। पुंछ जिले की पुंछ नदी में मवेशियों के लिए चारा लाने गया एक शख्स पानी की तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। तो वहीं पुलवामा में मूसलाधार बारिश के बाद रुश्मी नाला उफान पर है। रुश्मी का तेज बहाव यहाँ के लोगों को डरा रहा है। मथुरा की तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाकों में नाव चल रही हैं। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी 2 फीट तक भर गया है। वृंदावन और मोक्षधाम पूरी तरह से डूब गए हैं। 100 से ज्यादा लोगों और 250 पशुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।